हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सोलॉजिकल लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम कैडेवरिक स्पैज्म कवर करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि लेट चेंजेस में लिवर मोर्टिस होती है, अल्गर मोर्टिस होती है, ये सब होता है, तो वैसे ही एक कैडेवरिक स्पैज्म भी होता है, जो कि एक कंडीशन होती है जो हाथ, जैसे हम जिस स्टेट में डेथ होती है उसी स्टेट में बंदे की जो ऑर्गन्स है, जो हाथ है, जो पैर है, वो उसी स्टेट में रहते हैं। मान लो किसी ने किसी को पकड़ा था, तो पकड़े वाली स्टेट में उसकी जो मुट्ठी है मुट्ठी बंद रह जाती है, वो होता है कैडेवरिक स्पैज्म। ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस राइगर और कैटालेप्टिक रिजिडिटी, मतलब इंस्टेंट राइगर भी इसे बोलते हैं, मतलब इंस्टेंट स्टिफनेस और कैटालेप्टिक रिजिडिटी भी इसे हम बोलते हैं। इट इज द कंडीशन इन विच द मसल्स ऑफ द बॉडी दैट वर इन स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन। ये वो कंडीशन होती है बॉडी की, जो मसल थी बॉडी की, उसी स्टेट ऑफ कंडीशन में रह जाती है इमिजिएटली आफ्टर डेथ। जिस कंडीशन में डेथ से पहले थी, इमिजिएटली उसी कंडीशन में रहने को कैडेवरिक स्पैज्म बोलते हैं। कंटिन्यू टू बी सो आफ्टर डेथ विदाउट पासिंग थ्रू द प्राइमरी रिलैक्सेशन स्टेज। इसमें कोई प्राइमरी रिलैक्सेशन स्टेज नहीं आती, जिस जिस उसमें कंडीशन में डेथ से पहले बॉडी कंट्रैक्ट थी मसल की, उसी मसल कॉन्ट्रैक्शन में बॉडी रह जाती है। प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन क्या है इसकी? अक्कर स्पेशली इन केसेस ऑफ सडन डेथ, जिसमें सडन डेथ होती है उसमें ऐसा होता है, एक्साइटमेंट, फियर, पेन में, एग्जॉस्टेशन में, सेरेब्रल हेमरेज में, इलेक्ट्रोकेशन में और इंजरी टू नर्वस सिस्टम में, ऐसा हम देखने को मिलता है कि जिस कंडीशन में मसल कॉन्ट्रैक्ट थी उसी कंडीशन में डेथ हो जाती है। मसल इन्वॉल्व कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है? ओरिजिनेट्स बाय नॉर्मल नर्वस स्टिमुलेशन इन द मसल। ओरिजिनेट तो नॉर्मल नर्वस से ही होती है, जब नर्वस सिस्टम अपना सेंसरी और मोटर स्टिमुलाई देता है उसी वजह से ओरिजिनेट होती है, लेकिन इट इज यूजुअली लिमिटेड टू अ सिंगल ग्रुप ऑफ वॉलंटरी मसल। लिमिटेड कहाँ तक है? वॉलंटरी मसल तक, एंड फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व्स द हैंड, और मोस्ट कॉमनली क्या देखने को मिलते हैं? हैंड देखने को भी मिलते हैं। ओकेजनली द होल बॉडी इज इन्वॉल्व, होने को पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, लेकिन वॉलंटरी मसल देखने को हमें ज्यादा मिलती है, और उसमें भी हैंड की मसल फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म अनक्लियर है, लेकिन न्यूरोजेनिक है, और इट इज ड्यू टू द एग्जॉस्टेड एटीपी। किसकी वजह से होता है? एग्जॉस्टेड एटीपी की वजह से होता है, क्योंकि जो एटीपी है वो रिलैक्स नहीं कर पाती मसल को और स्टिफनेस हो जाता है। Due to exhausted ATP in affected muscle with persistence of contraction, ATP ना होने की वजह से contracted muscle रह जाती है death के बाद, and active muscular relaxation to occur during molecular death, और muscular relaxation नहीं हो पाती है molecular death के बाद। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? कैडेवरिक स्पाज्म बीइंग एन एंटीमॉर्टम फिनोमेना रिफ्लेक्ट्स द लास्ट एक्ट ऑफ सस्पेक्ट परफॉर्म्ड बिफोर एंड द टाइम ऑफ द डेथ। कैडेवरिक स्पाज्म हमें क्या हेल्प करता है कि लास्ट मोमेंट पे जब डेथ हुई तब सब्जेक्ट क्या एक्टिविटी परफॉर्म करा था और क्या उसके टाइम ऑफ डेथ था, ये हम कैडेवरिक स्पाज्म से हमको बता सकते हैं। मान लो किसी बंदे ने मरते टाइम किसी चीज को पकड़ा था, तो उसकी जो हाथ की स्टेट है वो वैसे ही पकड़ती हुई स्टेट में रह जाएगी, इसे कहते हैं कैडेवरिक स्पाज्म। कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ मे बी जज, इससे हम उसका कॉज और मैनर पता लगा सकते हैं डेथ का, कि किस मैनर कॉज में डेथ हुई है। इन केस ऑफ ड्रोनिंग, मतलब जब बंदा डूब के डेथ होती है, द हैंड में फर्म ग्रिप सैंड मड ग्रेवल एंड वीट प्रेजेंट इन द पॉट टू रिकवर द बॉडी। तो हैंड की जो मूवमेंट रहती है वो कुछ पकड़ने जैसी रहती है, जैसे मड को पकड़ता है, वीट को, घास फूस को पकड़ता है, सैंड को पकड़ता है, ताकि अपने आप को बॉडी को रिकवर कर सके, डूबने से बचा सके। ये हम देखने को मिलती है कैडेवरिक स्पैज्म का एग्जांपल। दूसरा क्या आता है? इन केस ऑफ फायरआर्म या स्टैब इंजरी, जब किसी को कोई मारता है या फायरआर्म करता है उसकी वजह से, तो पिस्टल नाइफ में भी फर्मली ग्रास्प्ड इन विक्टिम्स हैंड एंड स्ट्रॉन्गली पोजीशन एविडेंस ऑफ सुसाइड, मतलब जो कि बंदा सुसाइड करता है, चाहे नाइफ से करता है या फिर बंदूक से करता है, तो उसी स्टेट में उसका हाथ रहता है जिस स्टेट में उसने मरने से पहले बंदूक या नाइफ को पकड़ा था। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है कैडेवरिक स्पैज्म का। इन होमोसाइडल केसेस, होमोसाइडल केसेस होते हैं जब कोई किसी को मारता है, होमोसाइडल केसेस होते हैं, द डिजीज्ड मे ग्रास्प सम पार्ट्स ऑफ द क्लोथिंग बटन और हेयर ऑफ असैसिन्स विद होम ही हैड द स्ट्रगल प्रायर टू हिज डेथ। मरने से पहले किसी बंदे को अगर कोई उससे झड़प हुई है, तो उसके जो हाथ है वो उसके क्लॉथ पकड़ते हैं, उसके बटन या उसके बाल कुछ भी पकड़ते हैं, और उसकी डेथ हो जाती है। तो मरने के बाद हम उससे जज कर सकते हैं कि उसकी झड़प हुई थी, उससे उससे उसकी लड़ाई हुई थी, जिसकी उसके हैंड की ग्रिप की वजह से हम उसको जान सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।